कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग भी तेज कर दी है। कोरोना महामारी ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिसके चलते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे वृंदावन भी अछूता नहीं है। वृंदावन कोतवाली में मंगलवार को कोरोना का बम फूटा, जिसमें कोतवाली प्रभारी समेत करीब 2 दर्जन पुलिस कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इतना ही नहीं, ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर भी जांच के दौरान श्रद्धालुओं में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। इसी श्रृंखला में सीएससी प्रभारी डॉक्टर स्वाति जाड़िया के नेतृत्व में टीम द्वारा कोविड-19 की जाँच तेज कर दी गयी है। वही सीएससी प्रभारी ने सभी से कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन करने का आह्वान किया है। वर्तमान में वृंदावन में आज की तारीख में हमारे 80 केस पॉजिटिव निकले हैं और एक्टिव केस टोटल 224 हैं वृंदावन में आज की तारीख में, जिसमें आज हमारे यहाँ पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग के भी काफ़ी लोग पॉजिटिव निकले हुए हैं। हमने अभी पिछले 4-5 दिन से बांके बिहारी मंदिर में RT-PCR की जाँच कराना शुरू की है, जिसमें से भी 10-12 लोग जो बाहर से आए हुए थे दर्शनार्थी, वो पॉजिटिव निकले हैं। और बाकी डेली बेसिस पे हमारे यहाँ 450 से 500 हम डेली RT-PCR एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वृंदावन पे सैंपलिंग होती है, बाकी बिहारी मंदिर में होती है, और जो मरीज पॉजिटिव हैं उनकी कॉन्टैक्ट सैंपलिंग का कार्य सुबह से लेकर शाम तक हम लोग पूरा करते हैं। सारी मरीजों को समय पर दवाइयाँ भिजवाई जाती हैं RRT टीम द्वारा, उनके कॉन्टैक्ट वालों को दवाइयाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। बाकी जनता को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह से कोविड हमारा फैल रहा है, हमें जो गाइडलाइन बताई गई है उसको हम फॉलो करें, मास्क लगाएँ, जो डिस्टेंस मेंटेन करें, क्राउड वाले एरिया को हम अवॉइड करें, भीड़ वाले एरिया में हम ना जाएं, कोशिश करें कम से कम जब तक ये फैला हुआ है हम बाहर ना निकलें और अपने घर पे स्टे करने की कोशिश करें, जिससे हम इस महामारी को रोकें।